बैक टू माय चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं करी लीव्स के बारे में। करी लीव्स के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बालों को ये कैसे हेल्दी बनाता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो जब से मैं बैंगलोर में आई हूँ, यहाँ पर खाने में बहुत ज़्यादा करी लीव्स का यूज़ होता है और आपको हर जगह करी लीव्स मिल जाएगी। और लोग नारियल का यूज़ भी करते हैं, करी लीव्स का भी यूज़ करते हैं, इसलिए इनके बाल इतने ज़्यादा सुंदर होते हैं। साउथ इंडियंस के बाल आपने देखे होंगे, बड़े ही खूबसूरत होते हैं। तो उसका रीज़न ये भी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कोकोनट और करी लीव्स का यूज़ करते हैं। तो मैं भी कुछ दिनों से करी लीव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो अगर आप भी करी लीव्स के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। करी लीव्स में बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि बीटा कैरेटिन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन B6 होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे कि ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बेनिफिट्स की बात करूं तो ये डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बालों में अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है, हमारा हेयर लॉस होने लगता है। तो जो करी लीव्स है वो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हेयर लॉस की आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। करी लीव्स हेयर फॉल को कम करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ बाल पतले हो जाते हैं उनको घना मोटा और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इम्प्रॉपर डाइट के कारण, प्रोटीन्स की कमी के कारण और इम्प्रॉपर कॉम्बिंग के कारण बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि करी पत्ता में होते हैं बीटा कैरेटिन और प्रोटीन्स, जो कि बालों को लंबा करने में हमारे हेल्प करते हैं। करी लीव्स में अमीनो एसिड्स होने के कारण ये बालों की डैंड्रफ को भी कम करते हैं, साथ ही साथ बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। आजकल लोग ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान रहते हैं, बालों का कलर ग्रे हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। ये होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, अल्कोहल लेते हो आप, स्मोक करते हो, लोगों में ये जेनेटिक भी होता है, तो इन रीज़न से बाल ग्रे हो जाते हैं। तो जो करी पत्ता होता है उसमें होता है विटामिन B, जिससे कि ये बालों का जो कलर है उसको रिस्टोर करता है और बाल फिर से आपके जो भी आपका नेचुरल कलर है बालों का वो आपका वापस आ जाता है। करी पत्ते को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। सबसे इजी जो तरीका है, जो हर किसी को करना चाहिए, वो ये कि आपको अपने खाने में इसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। या तो आप जब दाल में तड़का लगाते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, कोई चटनी वगैरह बनाते हैं उसको फ्राई करने के लिए करी पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो कच्चा करी पत्ता भी अच्छे से चबा के खा सकते हैं, जो कि बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैं आपके साथ एक करी पत्ता हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ और एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ और एक हेयर रिंस शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसको बनाना कैसे है। मैंने करी पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया है और मेथी दाना लिया है और कोकोनट ऑयल लिया है पतंजलि का। आप गैस को गर्म करेंगे और ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें करी पत्ता और मेथी दाना क्रश करके डाल देंगे। क्रश करना ज़रूरी है, जिससे अच्छे से जो भी गुडनेस है करी पत्ता और मेथी दाना की वो आपके ऑयल में आ जाए। ध्यान रखें कि जो भी मेथी दाना है और करी पत्ते हैं वो जले ना ऑयल में, बस तेल हल्का गर्म हो तभी आप इसको डाल दीजिए और फिर फ्लेम बंद कर दीजिए और इसको ऑयल में 1-2 घंटे तक रहने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको छान लीजिए और किसी भी आप जार में आप इसको निकाल सकते हैं। बालों की अच्छे से 10-15 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर आप कोई भी केमिकल फ्री शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिए। इसको बनाने के लिए आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग पानी ले लीजिए। पानी बॉयल हो जाए तो करी पत्ते डाल दीजिए, करी पत्ते धुले हुए होने चाहिए और जब तक पानी आधा ना हो जाए इसको पकने दीजिए और फिर आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बालों में 1-2 घंटे तक लगे रहने दीजिए और फिर आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए करी पत्ता और इसमें दही मिक्स करके अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर पत्ते
रह गए तो आपके बालों से निकलने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला बनता है तो आप इसमें आंवला पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अब अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और ये इस पेस्ट को अपने बालों पे लगा लीजिए। आप 1-2 घंटे तक अपने बालों में लगा के रखिए, फिर किसी भी केमिकल फ्री शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो इसको लगाने के बाद अपने बालों को स्टीम भी कर सकते हैं और फिर बालों को वॉश कर लीजिए। देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। जो हेयर ऑयल है आप उसको बनाकर रख सकते हैं, 1-2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। और जो हेयर मास्क है आप तुरंत बना के तुरंत ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो हेयर रिंस है उसको बना के आप एक बार में यूज़ कर लें, या फिर उसको आप 7-8 दिन तक बना के फ्रिज में रख सकते हैं और रेगुलर उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से यूज़ करते हैं, सिंसियरली अगर आप इसको अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये काम करता है आपका जो हेयर फॉल होता है उस पर सबसे ज़्यादा काम करता है। आपका हेयर फॉल आपको 1 वीक में ही असर दिखने लगेगा। साथ ही साथ बालों को लंबा करता है, जो ग्रोथ रुक जाती है उसको प्रमोट करता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। एक बार इसको बना के ज़रूर देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ें बनाएं और तीनों चीज़ें अप्लाई करें, आप जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसे कि ऑयल बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो तो आप इसको बना के रख लीजिए, अपने बालों पर अप्लाई कीजिए और जो भी रिजल्ट मिलते हैं आपको मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप आज का ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगा। यूज़फुल है तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, जिससे कि जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।